नक्सल क्षेत्र बीजापुर में सड़क निर्माण काम में भ्रष्टाचार देखने को मिला। ग्रामीणों की माने तो निर्माण काम में मुनाफे का खेल फलफूल रहा है। ताजा मामला जिले के संवेदनशील तरलागुड़ा से कोतूर सड़क का बताया जाता है, जहां सड़क निर्माण के लिए 1,23,00,000 रुपए स्वीकृत हुए थे और ग्रामीणों की माने तो कई बार मामले की शिकायत की गई, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिस सड़क पर मौजूद है ये सड़क है तारलागुड़ा से कोतूर को जोड़ने वाली सड़क, बेहद ही संवेदनशील इलाका है, नक्सल इलाका इसको माना जाता है। ऐसे में यहाँ सड़क बनाना उन रहवासियों के लिए, उन ग्रामीणों के लिए एक मील का पत्थर भी है, वहां तक एक सड़क पहुंचे और वहां तक वो गाड़ियां जाएं जिसमें वो लोग सफर करते हैं। तो उसी सड़क पर हम मौजूद है और यहाँ एक पुल का जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस पुल को देखकर आपको लगेगा कि ठेकेदार कैसे कितना बड़ा मुनाफा कमाते होंगे और किस तरीके से गुणवत्ता को दरकिनार करते हैं, और इसमें जो विभागीय अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों की कैसी संलिप्तता है। एक पुल का काम किया जा रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी जो गिट्टी है वो यहाँ पे दिख रही है, सीमेंट का नामो निशान नहीं है, 40 mm गिट्टी से यहाँ पे काम किया जा रहा है। जो सूखा मसाला होता है उसको बनाकर वो जो पुल का सेंटरिंग है उसके बीच में डाला जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुल जो है ये कितने लंबे समय तक यहाँ पर टिकेगा, क्या इस बारिश में ये पुल रुक पाएगा या ये पुल यहाँ के लोगों के लिए चलने लायक रहेगा। इससे पहले भी कई बार पीएम जसवाई विभाग के निर्माण में गुणवत्ता को दरकिनार कर मोटी रकम ठेकेदार कमाते रहे हैं, लेकिन ऐसे इलाकों में जहाँ पहुंच पाना मुश्किल है और लोग एक अदद सड़क के लिए तरसते हैं, वहां बनने वाली सड़क और वहां बनने वाले पुल की जो ये स्थिति है उसको देखकर आप सोच सकते हैं कि सरकार की उदासीनता का कैसे ठेकेदार फायदा उठा जाते हैं। कोत्तूर और तारलागुड़ा सड़क पर इस पुल के पास मैं पवन दुर्गम स्वराज।